मिनट सेशन तो इस वीडियो को एंड तक देखना तो आपके जो भी G20 रिलेटेड कंसर्न्स हैं वो मैं आपके यू uh, नो you know, खात्मा कर दूंगी उन कंसर्न्स का एंड आई विल मेक श्योर कि अगर गलती से इस पार्ट से कोई क्वेश्चन आ भी गया तो उसको कैसे आंसर करना है आपको पता चल जाएगा हाय सार्थक हाय खुशी हाय परमिता हाय केशव हैप्पी लोरी टू ऑल ऑफ़ यू हैप्पी लोरी टू ऑल ऑफ यू और क्विकली बिगिन तो गाइज देखो आपका जो सिलेबस है ना उसमें बाद में सी ने क्या किया था कि ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में यहाँ लिखा है एग्जामिन सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ जी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द लाइट ऑफ इंडियाज प्रेजेंट रोल है ना ये यहाँ पर सिलेबस में एड कर दिया गया है लेकिन आप इस पार्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो देखो यार मेरे हिसाब से मैक्सिमम इससे एक एमसीक्यू आ सकता है या फिर अगर आना है तो टू मार्कर आ सकता है बट आई थिंक एमसीक्यू आएगा और काम खत्म होगा इससे ज्यादा आने के चांसेस बहुत कम है द रीजन फॉर दैट इज कि इतना लेट मतलब सी ने उसको बस ऐसे डाल दिया प्लस इट्स अ करंट अफेयर्स इशू तो आप बस इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग करके जाओ कि एग्जैक्टली exactly जी क्या है uh, इंडिया का रोल क्या है जी में जी के एजेंडा क्या है जो आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आपने इस वीडियो को way, है ना? कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर इधर उधर करके लिख लेना ठीक है हाँ एड्यू कार्ड के क्वेश्चन बैंक में दिया है ये टॉपिक तो बस फिर तो आना है, है ही right, है तो uh, अगर मैं आपसे कहूं कि G20 आपको कहां से कवर करना है तो सी के वेबसाइट पे ही G20 का कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जो उन्होंने कहा है कि दिस इज फॉर रीडिंग फॉर क्लास नाइन एंड टेन स्टूडेंट्स तो यू कैन गो थ्रू इट उसी से आज का पी बना है हम थोड़ा जी ट्वेंटी को बेसिक समझेंगे एज आई टोल्ड यू कुछ रटने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन कैसे भी आए जो आपको आज समझ आ रहा है उसमें से अपना आंसर लिख लेना ठीक है येस ग्लोबलाइजेशन कितने वेटेज का आएगा बेटा ग्लोबलाइजेशन से फॉर श्योर sure एक एमसीक्यू आएगा ठीक है या फिर टू और टू या थ्री मार्कर क्वेश्चन आ सकता है ठीक है बट मेरे हिसाब से टू थ्री मार्कर नहीं आएगा अगर आएगा भी तो आपको पता है क्या आएगा कि uh, क्या फैक्टर्स है दैट स्टिम्यूलेटेड ग्लोबलाइजेशन एमसीक्यू आने की ज्यादा संभावना है वो भी एक ट्रिकी एमसीक्यू ठीक है चलो सेशन को शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को दे दो, अगर आपने अभी तक नहीं दिया जी ट्वेंटी exactly से जी ट्वेंटी का लोगो देख लेते हैं देखो यारी ट्वेंटी कुछ ऐसे कलेक्शन uh, है ऑफ डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन जो वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग हैं उनको मिला के हम जी ट्वेंटी कंट्रीज बोलते हैं आज हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि फॉर दिस ईयर इंडिया

फैमिली तो यहाँ पर लिखा भी है वसुधेवा कुटुंब का वसुधेवा कुटुंब मतलब हम सब एक परिवार के हैं हमारी एक दुनिया है और इसीलिए हमारा एक फ्यूचर है है ना वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग तो आपका ऑरेंज ग्रीन ब्लू सैफरिन जो भी हमारे नेशनल फ्लैग में कलर्स हैं वो यहाँ दिखा रखे हैं लोटस भी है विच इज आर नेशनल सिंबल ठीक है सो दैट इज योर लोगो लोगो याद रखना कभी क्वेश्चन में आ जाए

एफ्रीकन यूनियन को वोट इन कराया है इन द जी ट्वेंटी मेकिंग इट असेंशली जी ट्वेंटी वन बट एफ्रीकन यूनियन अभी इस साल ही ज्वाइन किया गया है ठीक है इट हैज्वाइन राइट नाउ अब कौन कौन से कंट्रीज है यू हैव अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया जो भी आपकी मेजर डेवलपिंग कंट्रीज है राइट ब्राजील कैनेडा चाइना फ्रांस जर्मनी इंडिया इंडोनेशिया इटली जापान ऐसे नहीं आएगा कि सारे कंट्रीज बताओ ऐसा आएगा कि इनमें से कौन सा कंट्री जी ट्वेंटी का पार्ट नहीं है तो आपको जनरली जानना है कि यार हाँ इटली इंडोनेशिया जापान कोरिया मेक्सिको, रशिया सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका टर्की यूके यूएस यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन इज न्यूली एडेड तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा कंट्री जी ट्वेंटी का पार्ट नहीं है आप वो आइडेंटिफाई करना सीख लो जो हम आगे एमसीक्यू में भी करेंगे बट एज सच आपको कंट्रीज को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यू कैन जस्ट रिमेंबर कि नाइनटीन सॉवरन कंट्रीज यूरोपियन यूनियन एंड लेटली अफ्रीकन यूनियन इज अ पार्ट ऑफ जी ठीक है

दुनिया में अब एशिया में जब 1999 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया द मेजर रीजन फॉर दैट फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे मार्केट बहुत इंटरकनेक्टेड थे पर हम आपस में देश बात नहीं करते थे नहीं थी जिससे फोरम तो बनाया गया जहां पर सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स जो आपके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स थे वो मिलकर जो है डिस्कस करने लगे अबाउट द इकोनॉमिकार्ट ऑफ द वर्ल्ड धीरे धीरे मतलब और, और यहाँ पर सारे मेजर डेवलप कंट्रीज को इस फोरम का पार्ट बनाया गया नॉट जस्ट एशियन कंट्रीज बट ऑल द मेजर डेवलपिंग कंट्रीज अब उसके बाद जब आगे इकोनॉमिक क्राइसिस आए जैसे द टू थाउजेंड फोर क्राइसिस हा हा Uh, जैसे 2007 क्राइसिस 2009 क्राइसिस तब रियलाइज हुआ कि सिर्फ फाइनेंशियल यू नो जो गवर्नर्स है आरबीआई गवर्नर्स या फाइनेंशियल मिनिस्टर्स का मिलना काफी नहीं है धीरे धीरे पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कंट्रीज के दैट ऑल ऑफ आस नीड टू मीट मतलब गवर्नमेंट हेड्स ऑल्सो नीड गाइस, इज ए टोके नाउ इज ए टोके नाउ यस yes? एक बार रिफ्रेश करके देखो मैंने अपना नेटवर्क चेंज किया है हाँ वापस लोड हो रहा है आप एक बार रिफ्रेश करके आओ है ना ओके ग्रेट ठीक है चलो आगे बढ़ते तो आपने इतना समझ लिया नहीं याद करने की जरूरत नहीं कंट्रीज जस्ट गो थ्रू कर लो ना व्हाट इज द जी ट्वेंटी एजेंडा अगेन एज सच एक सेपरेट क्वेश्चन आ गया तो बहुत जनरल एजेंडा है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद करने के लिए है ना कौन सा स्लाइड चलो मैं जल्दी से ये वाला पार्ट वापस से समझाती हूँ कैसे फॉर्मेशन हुआ जी ट्वेंटी का एशिया का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था 1999, उसके बाद कंट्रीज़ को रियलाइज़ हुआ कि, कि जो वर्ल्ड के ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है जो सेंट्रल बैंक गवर्नर है उनको आपस में बात करनी चाहिए क्योंकि क्या है ना कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज है वो काफी इंटरकनेक्टेड होने लगी है हर चीज सरकार के अंडर काम नहीं करती राइट right? अलग अलग ट्रांजेक्शन होने लगे हैं जो बिना किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के चल रहे हैं तो वर्ल्ड के जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है उन्होंने साथ में आके जी ट्वेंटी का फॉर्मेशन किया और ये डिसाइड किया गया कि वो लोग एनुअली मिलेंगे आरबीआई गवर्नर्स और फाइनेंशियल मिनिस्टर्स एंड दे विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक देमिकूज that is going around the world. है ना लेकिन उसके बाद आए 2007 का क्राइसिस 2009 का क्राइसिस और रियलाइज किया गया कि G20 को और अच्छा इंटर गवर्नमेंटल फोरम बनाया जा सकता है जहां पर नॉट जस्ट द फाइनेंशियल इश्यूज बट आल्सो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पॉलिटिकल इश्यूज भी डिस्कस किए जा सकते हैं तो ये भी एनुअली मीटिंग होती है जहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट जो आपका प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग भी आके जी में एनुअली मिलते हैं क्लियर यस इतना क्लियर हो गया क्लैरिटी मिल गई है ना चलो अब हम आते हैं एजेंडा पे गाइस देखो यार मेरे हिसाब से इस question, इस क्वेश्चन चैप्टर से एमसीक्यू ही आएगा तो आप बस समझ लो उससे ज्यादा लोड मत लो ठीक है तो इसका एजेंडा क्या है इसका एजेंडा है ट्रेड ट्रेड ऑब्वियसली जब इकोनॉमिक इश्यूज की बात हो रही है तो ट्रेड आ जाता है क्लाइमेट चेंज आजकल हर जगह क्लाइमेट चेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्थ एग्रीकल्चर एनर्जी एनवायरमेंट एंड एंटी करप्शन तो दीज आर सम जेनरल एजेंडा ऑफ जी ट्वेंटी अब इसको याद कैसे करना है आप खुद सोचो दुनिया में क्या मेजर प्रॉब्लम्स है क्लाइमेट प्रॉब्लम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है खाने की प्रॉब्लम है जो एग्रीकल्चर में आता है करप्शन या टेरोरिज्म की प्रॉब्लम है तो एंटी करप्शन आ गया एनवायरमेंट हो गया एनर्जी हो गया ट्रेड हो गया ठीक है यस चलो दिस इज़ अ फोरम विच बाइन्स डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ और वो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं एक तरीके का एक एक फोरम है जहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो काफ़ी सारे देशों के बीच में उसको कैसे कम कराया जा सकता है ठीक है अब इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है मैंने आपको बताया की एशियन नाइनटीन क्राइसिस के बाद फाइनेंशियल मिनिस्टर्स मिलते थे और फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलते थे और 2007 2009 के बाद जो आपके हेड ऑफ़ गवर्नमेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी मिलने लगे है ना तो मीटिंग्स एनुअली होती है और जो मीटिंग्स होती है उसमें टू पैरल ट्रैक्स होते हैं पैरल ट्रैक्स का मतलब दो मीटिंग साथ में होती है एक है आपका फाइनेंस ट्रैक जहाँ पर आर गवर्नर सेंट्रल बैंक गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलते हैं और दूसरे ट्रैक को बोलते हैं शर्पा ट्रैक जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं है ना इसको शर्पा क्यों बोलते हैं आपने देखा होगा कि हिमालयाज में अगर आप कभी ट्रैकिंग गए हो तो शर्पा जो लोकल गाइड्स होते हैं जिनको पता होता है रास्ता है ना थ्रू वेजिटेशन थ्रू डिफिकल्ट टेरेन उनको शर्पा बोलते हैं तो उनको शर्पा ट्रैक बोला जाता है जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो डिस्कस करते हैं कि कैसे इशूज को रिजोल्व किया जाए ठीक है चारो टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है टू जीडीपी सॉरी टू जी ट्वेंटी जी डी पी जी ट्वेंटी पहला तो यार देखो हम लोगों ने विजन दिया है इसी का वसु कुटुंब का है ना वसुदेवा कुटुंब का की वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वी वॉन्ट टू ब्रिंग द वर्ल्ड टूगेदर वी हैव वन फ्यूचर दूसरा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कॉप ट्वेंटी सिक्स है उसमें एक नया फ्रेज दिया था दैट इज लाइफ लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट उन्होंने बोला था कि हमें अपनी जिंदगी कुछ ऐसी बदलनी चाहिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ट्रूवर्स ओरिएंटेड हो चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो सो दैट इज योर लाइफ फॉर इंडिया जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी काल जो आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री काफी बोलते हैं कि अमृत काल आ गया है है ना तो अमृत काल है उनके लिए दैट इज यू नो द न्यू जैसे आफ्टर द सेवेंटी फाइव इज ऑफ इंडिपेंडेंस जो आखिरी के ट्वेंटी फाइव है उसको हम अमृत काल बुला रहे हैं कि अब हमारे देश की उन्नति ही होगी प्रोग्रेस ही होगी यस क्लियर समझ लो बस है ना तो आपके जी ट्वेंटी प्रायोरिटीज में आपको बता ही चुकी हूं क्या क्या है जो एजेंडा में है उसी से रिलेटेड यहाँ लिखा है वुमेन लेड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी मल्टी लैटर इंस्टीट्यूशन इसको बस ब्राउज थ्रू कर लो चलो लेट्स क्विकली डू सम क्वेश्चन वेन वॉज जी ट्वेंटी फॉर्मड एंड वॉट लेट टू इट्स फॉर्मेशन इट वॉज फॉर्मड इन 1999 नाइनटी नाइन आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस उट तो गाइज अगेन इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं आपको पता है क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंटी करप्शन जी ट्वेंटी है लॉ एंड ऑर्डर बी अ जी ट्वेंटी एजेंडा क्योंकि वो नेशनल इशू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ जी ट्वेंटी समिट इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है जी ट्वेंटी समिट का प्रोमोटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ ये तो लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ इसी के लिए तो समिट बना है एनहेंसिंग फाइनेंशियल रेगुलेशन ये भी लग रहा है इंप्रूविंग इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन ये भी लग रहा है बट प्रोमोटिंग रिलीजियस हारमोनी इज नॉट अ जी ट्वेंटी इश्यू राइट हाउ is इज द जी ट्वेंटी समिट हेल्थ जी ट्वेंटी समिट कब कब होल्ड किया जाता है हाय अश्मिथ नाम बोल के क्या करो क्या इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे यार पता नहीं आपके सिलेबस में दे रखा है तो एज आई टोल्ड यू जितना मैंने आज के वीडियो में पढ़ाया उतना समझ लो ये बेसिक एमसीक्यूज़ कर लो इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जो मैंने टू मेजर टॉपिक्स लाइफ बताया और वासुदेवा कुटुम्ब का वो सब याद कर लो बस ठीक है तो गाइज एनुअली होता है एनुअली एवरी ईयर न ऑफ द थीम्स इन जी ट्वेंटी एजेंडा इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ लाइफ क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ नरेंद्र मोदी कॉप ट्वेंटी टू में बटू तो किसने वॉट इज इट इज द लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट आई थिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंट जो भी है

ब्राजील को अगले साल जा रहा है गाइस एज फार एज आई नो है ना हाँ इंडोनेशिया से हमने प्रेसिडेंसी ली और उसके बाद इंडिया के बाद ब्राजील को ये प्रेसिडेंसी जाएगी नेक्स्ट ईयर ठीक है वी हैव टेकन इट फ्रॉम इंडोनेशिया एंड नेक्स्ट ईयर इट विल गो टू ब्राजील सो आंसर इज द फर्स्ट नहीं से कॉम्पिटेंसी जो मैं कह रही हूँ वही आएगा

मेरा कूपन कोड SUGPRO पहले से लगा हुआ होगा नहीं तो आप लगा सकते हो और आपको 50% ऑफ मिल जाएगा ठीक है चलो G20 consists of two parallel tracks the finance track and the sherpa track who leads the finance track आद्या इज दिस अ पार्ट ऑफ बोर्ड्स हाँ यार बोर्ड एग्जाम में आ सकता है इसलिए पढ़ा रही हूँ, बट इट्स इट्स नॉट अ लॉन्ग सेशन देख लेना नए से 5 मार्कर नहीं आएगा नहीं आएगा फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर जी ट्वेंटी लोगो क्या डिपेक्ट करता है यस yes, बेटा, दिस टॉपिक इज इन योर ऑफिशियल सीबीएसई सिलेबस वाला पेज वासुदेवा कुटुंबकम जो लोग सी बोल रहे हैं नाटकम बेटा आई होप आप मजाक कर रहे हो च ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ जी ट्वेंटी इनमें से कौन सा देश जी ट्वेंटी का मेंबर नहीं है बुक में नहीं है सीबीएसई ने अलग से जी ट्वेंटी का डॉक्यूमेंट दिया है अपने वेबसाइट पे ठीक है या देखो अब आपको देखना है कौन सी इनमें से मेजर इकोनॉमी नहीं है आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा कंट्री है जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है बिकॉज जी ट्वेंटी में ओनली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज आर अ पार्ट ऑफ जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी को मिला के एटी परसेंट ऑफ दर्ल्ड जी डी पी इज इन दी ट्वेंटी सो आंसर इज वियतनाम है ना तो यहाँ लिखा है दिस कंट्रीज अकाउंट फॉर 85 फाइव परसेंट नॉट जस्ट एटी परसेंट एट्टी फाइव परसेंट ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल जी डी पी आई मीन इंडिया एज यू गाइज नो इज राइट नाउ द थर्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दैट्स अज थिंग अनफॉर्चुनेटली ग्रोइंग इकोनॉमी होना काफ़ी नहीं है आपको पता health, education, income disparity है हेल्थ एजुकेशन इनकम डिस्पैरिटी ये हमारे सामने अभी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जब तक वो ठीक नहीं होते ग्रोइंग इकोनॉमी बोलना काफी नहीं है बट ऑफकोर्स सो गाइज दैट इज इट हाउ मेनी जी ट्वेंटी बोला जाता है यूरोपियन यूनियन और इस साल इंडिया के वोट की वजह से अफ्रिकन यूनियन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जी ट्वेंटी मेकिंग इट जी ट्वेंटी वन ठीक है आज का सेशन अच्छा लगा हाँ, मैं हमने 15 डे चैलेंज में भी किए थे क्योंकि आप आए थे संस्कृति तो आपको पता है मैंने दो तीन क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए थे लेकिन राइट सो दैट इज इट फॉर टुडे आप इस वीडियो को देख सकते हो थोड़े स्पीड में टू जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रस्ट मी यू डोंट नीड हैनीथिंग एल्स कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है इतना अगर आपने पढ़ लिया काफी आपका सिर्फ पंद्रह मिनट से ज्यादा ये लेने नहीं वाला तो करके जाओ यू नेवर नो कि आज एग्जाम में आया ना आए राइट सो दैट्स इट दिस दैट सेज ये